क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, रेल, बस और फ्लाइट की टिकट बुकिंग की जाती है। इसके अलावा कई तरह के ऑनलाइन पेमेंट भी किए जाते हैं। हालांकि अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए मकान का किराया भी चुका सकते हैं। देश की बड़ी ई वॉलेट कंपनी पेटीएम ने अपने यूजर्स के लिए एक नई सर्विस को शुरू किया है। इसके तहत यूजर्स पेटीएम का इस्तेमाल करते हुए क्रेडिट कार्ड के जरिए घर के किराए का भुगतान कर सकते हैं। किराए का भुगतान सीधे मकान मालिक के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में मकान किराए का भुगतान डेबिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग के जरिए किया जाता है। हालांकि पेटीएम की नई सुविधा से यूजर्स को काफी सहूलियत होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए किराए का भुगतान करने पर यूजर्स को कैशबैक का ऑफर दिया है। इसके तहत 15,000 रुपये या फिर उससे ज्यादा किराए का भुगतान करने पर कैशबैक दिया जाएगा। ऑफर के तहत यूजर्स को 1,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। पेटीएम ने यूजर्स के लिए ऑफर 28 फरवरी 2021 तक रखा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजर्स को कैशबैक के अतिरिक्त किराए का भुगतान करने पर क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स भी मिलेंगे। जानकारों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर यूजर्स के पास कैश की बचत होगी। दरअसल क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए यूजर्स के पास 45 से 50 दिन का समय होता है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर बचे हुए कैश को यूजर्स कुछ समय के लिए कहीं और निवेश करके रिटर्न कमा सकते हैं। पेटीएम के जरिए किराए का भुगतान करने के लिए सबसे पहले आपको रिचार्ज एंड पे बिल सेक्शन में जाकर रेंट पेमेंट के विकल्प पर जाना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद यूजर्स को मकान मालिक का अकाउंट नंबर और उससे संबंधित जानकारी देनी होगी। इसके बाद यूजर अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी भरकर किराए का भुगतान कर सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस से जुड़े कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी ताज़ा खबरें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप तक पहुंच सकें।